है कि रेडियस क्या होगी, और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सेंटर पॉइंट ओ से ओपी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और एक टेंजेंट बनाया है टीपी, उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस फाइंड करनी है, और जो भी, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लेंगे कि गिवन टेंजेंट पी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट पी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो भी टेंजेंट होता है, अगर मान लीजिए किसी सर्किल में कोई टेंजेंट है, तो वो सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, मीन्स अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, तो वो हमेशा याद रखना है कि आपको ये 90 डिग्री होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट मीन्स ये जो लाइन टच करती हुई सर्किल को जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, तो अगर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करा, तो सर्किल से के सेंटर से जो हम रेडियस बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री होगा, मीन्स हमेशा ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमारे को ये पता है, ये ढूंढना है, और ये हाइपोटन्यूज हमें 10 सेंटीमीटर पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम मैं बता देता हूँ, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें आपको हाइपोटन्यूज नहीं पता है, इसको हाइपोटन्यूज बोलते हैं, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज का स्क्वायर। तो अगर तीनों में से कोई भी चीज़ एक नहीं पता है, वो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे को रेडियस फाइंड करनी है, तो अब हम देखेंगे, लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख दिया है। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए आपका आंसर आ गया है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है।